वज़ीर आज़म का यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। इमरान खान कहते हैं कि हम कश्मीरियों के हक की जंग लड़ते रहेंगे, एक दिन जरूर आएगा जब इंसाफ का बोलबाला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज हम यौम इल्हाक पाकिस्तान के तारीखी मौके को याद करते हैं। आज के दिन अहले कश्मीर ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। यौम इल्हाक के मौके पर समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद हक खुद इरादियत के अज़्म का अदा करती है, हम कश्मीरियों के हक के लिए जंग लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन से तस्लीम शुदा है। कश्मीरी हिंदुत्ववादी नजरिए वाली भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी और माना इकदाम के खिलाफ जुदोजहद करते रहेंगे। मैं जानता हूं एक दिन इंसाफ का बोलबाला होगा। कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने आवामी ख्वाहिशात के बरखिलाफ भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वादी में भारतीय फोर्सेज दाखिल हो गयी और निहत्ते कश्मीरियों पर ना रुकने वाले जुल्म व सितम की इब्तिदा हुई जो ताहाल जारी है।